नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं वेब क्रॉलर्स के बारे में, वेब स्पाइडर्स के बारे में। आपने स्पाइडरमैन का नाम सुना होगा, आपने स्पाइडर्स का नाम सुना होगा, मकड़ियों का नाम सुना होगा, लेकिन आपने वेब क्रॉलर्स का नाम नहीं सुना होगा। इंटरनेट पर फिर भी मकड़ियां होती है इंटरनेट पर, और वो क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, कहीं पर कुछ पोस्ट करते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होती है, मान के चलिए। वहां पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो सारे पेजेस आप चाहते हैं कि गूगल में इंडेक्स हो जाएं। मतलब अगर कोई उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में आप अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, उस चीज के बारे में अगर कोई गूगल पर सर्च करे, तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी गूगल पर नजर आ जाए। उसे क्या होगा, उसे ये होगा कि वो इंसान जो उस चीज के लिए सर्च कर रहा है वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगी, आपकी वेबसाइट पॉपुलर होगी, आपकी वेबसाइट ज्यादा पैसे कमाएगी। इन सिंपल अगर हम बोलें तो, मान के चलिए जैसे मैं गार्डनिंग के ऊपर एक वेबसाइट मैंने बनाई है, जहां पर मैं लोगों को बताता हूं कि गुलाब के पौधे कैसे उगाए जाते हैं, अच्छे से उनको कैसे ग्रो किया जाता है। तो अगर इंटरनेट पर कोई ये सर्च करता है कि गुलाब के पौधे कैसे उगाए जाते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि मेरी वेबसाइट उसे दिखे, और यही मैं चाहता हूं। ये कैसे होता है, अब गूगल को अपने आप तो नहीं पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कहां पर है इंटरनेट पर, इंटरनेट बहुत बड़ा है। ऐसे में छोटे छोटे बॉट्स होते हैं, मैंने बॉट्स आपको बताया था, बॉट क्या होते हैं, ऑटोमेटेड जो चीजें काम करते हैं हमारी। अगर आपने बॉट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके बॉट के बारे में जान सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दूं, बॉट एक रोबोट होता है जो इंटरनेट पर ही काम करता है, उसके आप कोई उस पर काम निर्धारित कर देते हैं, वो काम ऑटोमेटिकली करता रहता है। छोटे मोटे जो बॉट्स होते हैं वो क्रॉवल करते हैं, जैसे इसका नाम है वेब क्रॉवलर्स, वो इंटरनेट पर क्रॉवल करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरी वेबसाइट है abhishek.com, मानकर चलिए, तो जो वेब क्रॉलर्स हैं गूगल के, वो abhishek.com को देख लेंगे। उसके बाद abhishek.com पे ऐसा तो नहीं है कि एक ही पेज होगा, उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, उस वेबसाइट पर 10-12 पेज हो सकते हैं, तो उनके लिंक मेरे पेज पे होंगे, जैसे होम, अबाउट मी, गार्डनिंग सेक्शन, अबाउट माय फैमिली, मान के चलिए बहुत सारे लिंक होते हैं। वो जो स्पाइडर होते हैं, वो जो रोबोट होते हैं, वो हर पेज को इंस्पेक्ट करते हैं, वो हर पेज को टेक्निकली विजिट करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि मेरी वेबसाइट के हर पेज में क्या क्या मिलता है, फिर सारे कीवर्ड्स को वो अपने आप समेट के रख लेता है, और इन फ्यूचर अगर कोई सर्च करता है उस चीज के बारे में, तो गूगल मेरी वेबसाइट दिखा देता है कि abhishek.com पे आपको ये चीज मिल जाएगी। राइट, सिंपल है ये तो। अब स्टार्टिंग में जो वेबमास्टर्स होते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, वो शुरुआत में गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर लो, क्योंकि जैसा हम जानते हैं गूगल किंग है। अब सर्च इंजन्स में सबसे बड़ा सर्च इंजन आजकल आप देखेंगे जो ज्यादा यूज होता है वो है गूगल, तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल पर आ जाती है तो बहुत ही फायदे की बात है। मैंने आपको बता दिया वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं, और ये जो वेब क्रॉलर्स होते हैं ये भी तभी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट अलाउ करती है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट के जो robots.txt करके एक फाइल होती है वो कुछ रूल्स सेट कर देती है, वहां पर साइट मैप भी होता है, जो रोबोट्स नाम के जो robots.txt फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट में होती है, जो आप वर्डप्रेस में बनाएंगे या किसी में भी बनाएंगे, तो वहां पर वो निर्धारित करती है कि आपका जो वेबसाइट है वो कैसे इंडेक्स होगी, आपकी जो वेबसाइट है उसको स्पाइडर्स, उसको वेब क्रॉलर्स कैसे विजिट करेंगे। हो सकता है आपकी वेबसाइट पर ऐसी चीजें हों जो आप गूगल पर इंडेक्स कराना नहीं चाहते, आपके वेबसाइट पर कोई एक रफ एरिया हो, ऐसा एरिया हो जहां पर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो आम लोगों को आप नहीं दिखाना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कि मेरी वेबसाइट के 12 पेज हैं जिसमें से आपको 10 इंडेक्स करने हैं, 10 को ही गूगल में शामिल करना है, 2 को शामिल नहीं करना है। ठीक है, अब मुझसे लोग पूछते हैं सर साइट मैप के बारे में बताइए। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अगर नहीं भी हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। साइट मैप, मैप क्या होता है, किसी भी देश का नक्शा, जहां पर यह पता होता है कि कौन सी जगह कहां पर है। अब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो आपको यह पता होता है कि पंजाब कहां पर है, दिल्ली कहां पर है, साउथ कहां पर है, उड़ीसा कहां पर है, मध्य प्रदेश कहां पर है, तो मैप है वो। ऐसे ही वेबसाइट का भी एक मैप होता है जहां पर यह पता होता है कि कौन सी चीज वेबसाइट पर कहां है। जैसे मानकर चलिए वेबसाइट में एक पेज है हाउ टू ग्रो सनफ्लावर्स, ठीक है, तो वहां पर एक अलग पेज है उसका, वो साइट मैप उसका एड्रेस बताएगा, जैसे abhishek.com/sunflower.html, और यही चीजें वेब क्रॉलर्स को मदद करती हैं, क्योंकि वेब क्रॉलर्स का काम कम हो जाता है, वो पूरी वेबसाइट को फेच करने के बजाय सिर्फ साइट मैप को फेच कर लेती है। साइट मैप एक फाइल होती है, XML फाइल होती है, एक्सटेंशिबल मार्कअप लैंग्वेज जो होती है,
तो वहां पर उसको फेच कर लेती है, उस फाइल को देखने के बाद वहां पर लिखा होता है कि कौन सा पेज कहां पर है, तो वेब क्रॉलर्स को आसानी होती है। आज हमने क्या सीखा, साइट मैप क्या होता है, ठीक है ये जाना हमने, रोबोट्स टेक्स्ट क्या होता है, वेब क्रॉलर्स क्या होते हैं, गूगल कैसे इंडेक्स करता है, वेब स्पाइडर किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर आप नए आए मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और हां, अगर आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है तो वो बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, सीखते रहिए, गुड बाय।